ओके आ गए क्या तुम सब? खाना खा लिया? अच्छा, खाना नहीं खाया? किसने नहीं खाया? सबने खा लिया ना? अब नींद तो नहीं आ रही? आ रही है क्या नींद? ठीक है तो सो जाओ आराम से। क्या करना है? पढ़ना भी है क्या? चलो तुम्हें याद तो रहा कि पढ़ना भी है, अच्छी बात है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप ऑफ क्रॉप्स पढ़ रहे थे, समझ में आ रही है वो? ठीक है। इसके अंदर बेटा जो अपन ने अभी तक करा है उसके अंदर हमने क्रॉप्स के जो टाइप देखे हैं, एक तो हमने देखा कौन सा, पैरेलल क्रॉप्स या समानांतर फसलें, जिसका मतलब क्या है, ऐसी क्रॉप्स जो कि एक दूसरे से कोई भी प्रकार का कॉम्पिटिशन नहीं करती है। ठीक है, ये केवल और केवल कहाँ पर लागू होगा? इंटरक्रॉपिंग में, मिक्स क्रॉपिंग में लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो दोनों क्रॉप्स को हम वैसे ही मिक्स करने के बाद उनकी बुआई कर रहे हैं, इसलिए उनके बीच में कंपटीशन हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी हमने बात करी कौन सी, कंपेनियन या फिर सहचर फसलें। ठीक है, तो कंपेनियन या सहचर फसलें कौन सी है जो क्या करती है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा तो नहीं करती है, लेकिन उनकी जो उपज है, उनकी जो यील्ड हमें मिल रही है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी मिलेगी जो कैसी है, उनके प्योर स्टैंड में है। जब उसको एकल फसल में हम लगाते हैं उस टाइम पर जैसी मिल रही है सेम वैसी की वैसी हमें उसकी जो उपज है वो हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने बात करी किसकी, सहायक फसलों की, ऑगमेंट क्रॉप्स की। उसका मतलब क्या है, वो क्रॉप जो मेन क्रॉप की उपज को बढ़ाती है। ओके, फिर हमने देखा कौन सी हमारी, गार्ड क्रॉप्स, जिसका मतलब जो तेज हवा से या फिर पाला पड़ने से या फिर जानवरों से बचाती है। ओके, और लास्ट में हमने जो क्रॉप डिस्कस करी वो कौन सी क्रॉप थी हमारी, ओके, ट्रैप क्रॉप, जो क्या करती है, फंदा फसल जो है हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी, ऑगमेंट क्रॉप हमने कर लिया बेटा। चलिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग समझ में आ गया था, बस हम क्या कर रहे हैं, पट्टियों में जो है हमारी फसलें उनको लगा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिले क्रॉपिंग की, तो रिले क्रॉपिंग भी समझ में आ गया। रिले क्रॉपिंग जो वर्ड है वो कहाँ से लिया है, रिले रेस से लिया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि एक फसल के ख़त्म होने से पहले ही उसके बीच में हम दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। पैरा और रुटेरा समझ में आ गया, पैरा क्रॉपिंग कहाँ पर करेंगे बेटा, बिहार और वेस्ट बंगाल में, और एमपी के अंदर क्या होगी, यूटेरा क्रॉप होगी। किसके लिए कहते हैं हम, जो लिनसीड या लेंटिल की बात करें, मसूर जो है उसको धान में लगाया जाता है, उसके लिए कहा जाता है। ठीक है, सिंपल से फोन से। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, तो हमारी जो क्रॉप है वो कौन सी है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। कौन सी क्रॉपिंग है बेटा, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, मल्टी टायर क्रॉपिंग भी कह सकते हैं। ये इंग्लिश का ही वर्ड है, हमको उसी के साथ ही चलना है। अगर हम इसको कहना चाहें हिंदी में तो हम कह सकते हैं बहु ऊंचाई वाली फसलें, मतलब जहां पर हमें अलग अलग ऊंचाई वाली फसलें जो है उनको एक साथ लगाना है। मल्टी स्टोरी का मतलब ही होता है बहुमंजिला। क्या होता है, बहुमंजिला। तो हम सिंपल हिंदी में इसको कह सकते हैं बहुमंजिला फसलें। ठीक है, या बहुमंजिला खेती हम इसको कह सकते हैं, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग को। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि हमारे पास कोई भी एक खेत है, ठीक है, इस खेत के अंदर हम अलग अलग क्रॉप्स लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम चाहे तो यहाँ पर राइस लगाएं, या फिर इसकी जगह पर कोई भी, जैसे पोटैटो लगा दिया, या फिर हम इस पर टर्मरिक है वो लगाएं, कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं। बट ये एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेस का यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास जगह उपलब्ध है उसके लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे। मान लिया हमने कि यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई भी एक हम डायग्राम यहाँ पर ले लें कि ये हमारा पूरा खेत है। हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या लगाए हैं, नारियल के पेड़ लगाए। क्या लगाए बेटा, नारियल के पेड़। नारियल के पेड़ जो है वो अधिक दूरी पर लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है वो ध्यान रखने की है कि जो हमारे क्रॉप्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना रहता है। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि अमरूद के पेड़ के बीच में कितना डिस्टेंस हम रखते हैं, तो
अमरूद है गुआवा, उसके लिए कितना रखते? 6 मीटर रखते हैं, 6 से 8 है। आंवला के लिए बात करें तो 8 मीटर रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उससे भी बड़े पेड़ की बात कर रहे हैं, मतलब नारियल की, तो हम कहेंगे लगभग है वो हम वहाँ पर 15 से 10 के आसपास है, 10 से 15 मीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक प्लांट नारियल का यहाँ लगा, दूसरा प्लांट जो है वो यहाँ पर लगा, और तीसरा हमने मान लिया इस जगह पर। अब हमारे पास बीच का जो गैप है ये तो खाली है, अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसका कोई यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हमने कहा कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर नारियल के पास में हमने डिस्टेंस रखने के बाद हमने केले के पेड़ लगा दिए। किसके लगा दिए? केले के पेड़ लगाए। इस तरह से हमने सभी के पास में केले के पेड़ जो है वो तीनों के पास में हमने लगा दिए, ठीक है। अब केले और नारियल के बीच में कोई कंपटीशन है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हमारी जो फैमिलीज हैं उनसे बिलोंग करते हैं, ये भी चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा हमने क्या किया, नारियल के बाद हमने लगाया ब्लैक पेपर। क्या लगाया बेटा? ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च लगाई। क्या लगाई? काली मिर्च। और चौथा हमने जो प्लांट लगाया वो किसका लगाया? हमने यहाँ पर टर्मरिक या फिर हल्दी जो है उसका प्लांट हमने लगा दिया, ठीक है। और लास्ट जो है वो हमने कहा कि चलो और भी जगह खाली है, हमने क्या लगाया? कोरिएंडर या धनिया लगा दिया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक ही जगह पर जहाँ पर केवल एक फसल होनी थी वहाँ पर अब हमारे पास कितनी क्रॉप्स है? 4 क्रॉप्स है, ठीक है। क्रॉप नंबर 1 कौन सी है? कोकोनट। सेकंड जो है वो बनाना हो गई। थर्ड कौन सी है? ब्लैक पेपर। फोर्थ अगर हम देखना चाहें तो कौन सी है? टर्मरिक या हल्दी। और फिफ्थ है वो हमारे पास क्या हो गया? कोरिएंडर या धनिया। तो हमारे पास टोटल क्रॉप्स कितनी हो गई? 4 क्रॉप्स। 5 हो गई, अच्छा 2 बार 4 लिख दिया इसलिए 4 ही रह गई। तो हमने कितनी क्रॉप्स लगा दी बेटा? 5 क्रॉप्स लगाई। अगर हम यहाँ पर दूसरी क्रॉप्स नहीं लगाते तो भी ये डिस्टेंस तो वहाँ पर कवर होना ही था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा जो है एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर बनाए तो ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये पहली हमारी ऊंचाई है, ये सेकंड ऊंचाई, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ये एक तरह से सीढ़ी की तरह ही हो गया, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बहुमंजिला खेती कहते हैं। सीढ़ी नुमा खेती नहीं कहा जाएगा, ठीक है। सीढ़ी नुमा खेती अलग चीज़ है, हम यहाँ पर अलग अलग ऊंचाई वाली बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या कहा? बहुमंजिला खेती, या फिर अगर इंग्लिश में कहें तो हमने क्या कहा? मल्टी स्टोरी खेती इसको कहा है, ठीक है। इसके लिए खास चीज़ क्या ध्यान रखनी है? डेफिनेशन सिंपल सी है कि किसी एक जगह पर अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ लगाना क्या कहलाएगा? बहुमंजिला खेती। तो एक बार लिख लें इसको। अलग अलग ऊंचाई वाली फसलें हमने यहाँ पर लगाई है। एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा कोकोनट, बनाना, ब्लैक पेपर, टर्मरिक और कोरिएंडर। ये सारी की सारी क्या है? हमारी मल्टी स्टोरी क्रॉप्स जो है उसके अंडर आएगा। अब यहाँ पर खास चीज़ क्या ध्यान रखनी है? हम कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि कोकोनट और बनाना दोनों को एक साथ लगाया तो इंटरक्रॉपिंग तो है ही, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग अगर ऑप्शन में आ जाता है आपके क्वेश्चन में तो उस टाइम पर ध्यान से देखना है कि कहीं पर हमें मल्टी स्टोरी जो फार्मिंग है वो दे रखा है या नहीं दिया है। अगर वो दिया होगा तो आंसर मल्टी स्टोरी जाएगा, और अगर नहीं दिया तब जाकर हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? इंटरक्रॉपिंग होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। इतनी सी चीज़ है, BHU ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम इसी तरह दिया था उन्होंने, तो सिर्फ ये 3 जो है वो हमें दिए थे कि नारियल के साथ केला और ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च, इन तीनों की खेती एक साथ करना किसका एग्जाम्पल है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा? बहुमंजिला खेती का। दूसरा जो है वो हमारे लिए क्वेश्चन जो आया हुआ है वो किससे आया है? हमारी जो ऑगमेंट क्रॉप से सहायक फसलें हैं, उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन जो है ICAR के अंदर आया हुआ है कि जो सरसों लगाना किसका एग्जाम्पल है, तो हम कह सकते हैं सहायक फसलों का। तो आपको एग्जाम्पल्स मेन याद रखने हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, याद रख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलो एक बार लिख लें इसको। हाँ बेटा, कोरिएंडर, धनिया। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? कोरिएंड्रम सटाइवम। टर्मरिक का नाम क्या है?
हल्दी का, कुरकुमा लौंगा, ठीक है। ब्लैक पेपर का क्या है बेटा? काली मिर्च का, काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? नहीं पढ़ा हुआ है, हॉर्टिकल्चर में नहीं है तुम्हारे? क्यों, प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं है क्या तुम्हारे? प्लांटेशन क्रॉप्स है ना, तो फिर ये भी तो प्लांटेशन क्रॉप ही है। स्पाइसेस के अंदर है, उसमें भी आ रही है, मसाले में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। बनाना का, मूसा पैराडाइसी का, कोकोनट का, कोकोनट तो है तुम्हारे, ये तो प्लांटेशन क्रॉप है, ये भी नहीं है, नहीं है क्या? कोई बात नहीं, इसका नाम है कॉकस नूसीफेरा, ठीक है, कॉकस नूसीफेरा कहते हैं इसको। काली मिर्च का मुझे भी ध्यान नहीं बेटा, एक बार सर से पूछना है ना। चलो लिख लिया, ओके, नेक्स्ट बात करें बेटा। अगली जो हमारी क्रॉप है, ये इंटरक्रॉप्स के अंदर आने वाली क्रॉप्स कवर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हमें कंफ्यूज करती हैं, क्या है? तो एक तो हमारे पास कौन सी बेटा, कवर क्रॉप्स, कौन सी है जिनको हम क्या बोलते हैं, आच्छादित फसलें, क्या बोलते हैं? आच्छादित फसलें कहा जाता है, ठीक है। आच्छादित फसलें क्या होती है, इनके लिए हम लिख सकते हैं कि ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो फैल कर बढ़ती हैं, ठीक है। तो सिंपल हम कह सकते हैं जो जमीन पर फैल कर बढ़ती हैं, ठीक है। सेकेंड, इसका जो अच्छा उपयोग है वो क्या हो सकता है? अगर ये फैल कर बढ़ती है तो वैसे हम बात कर चुके कि अगर फैल कर बढ़ेगी तो बौछार क्षरण होगा ही नहीं, और बौछार क्षरण ही नहीं हुआ तो फिर परत क्षरण और रिल क्षरण जो है वो भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इनका जो यूज़ है वो कहाँ पर है बेटा, मृदा संरक्षण में, या हम कह सकते हैं मृदा क्षरण में कमी जो है वो इनकी वजह से होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि दे रिड्यूस सॉइल इरोजन, ओके। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लो एक बार, क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ भी है इसके एग्जाम्पल्स पर, कौन कौन से हैं वो देख ले। एक तो हमारे पास कौन सा है बेटा, ग्रीन ग्राम, कौन सा है? ग्रीन ग्राम। इसी के साथ हम ब्लैक ग्राम की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। एक जो है हमारे पास वो कौन है, काउपी, और एक जो है वो हमें याद रखना है कौन सा है, ग्राउंड, ओके। ये सारी जो क्रॉप्स है वो कौन सी फैमिली की है वो चीज हमें ध्यान रखनी है, किसकी है बेटा, लेग्यूमिनेसी की, कि सारी क्रॉप्स जो लेग्यूमिनेसी की होती है वो क्या है, कवर क्रॉप्स के रूप में यूज हो सकती है केवल एक को छोड़कर। चलो इसका जो अपवाद है वो कौन बताएगा, कवर क्रॉप्स का अपवाद? हमने कहा कवर क्रॉप्स जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती है ना, समझ में आ गया। लेकिन ऐसी कौन सी लेग्यूमिनेसी की क्रॉप है जो कि फैल कर नहीं बढ़ती है? बिल्कुल सही, कौन सी है, अरहर। तो क्या अरहर जो है वो सॉइल इरोजन कम करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि वो हाइट में ऊपर बढ़ती है, नीचे जमीन पर फैल कर नहीं बढ़ती। तो हम इसका एक्सेप्शन क्या लिखेंगे बेटा, रेड ग्राम, या हम कह सकते हैं पिजन पी, ओके, जिसको हम क्या कहेंगे, अरहर कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, कवर क्रॉप्स क्या होती है उसके एग्जांपल्स जो है याद रखने, लेग्यूमिनेसी फैमिली की जितनी भी क्रॉप्स है वो सारी की सारी कैसी है, कवर क्रॉप्स, एक को छोड़कर, वो कौन सी है, पिजन पी या अरहर। अरहर इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इसमें जर्मिनेशन कैसा होता है, एपिजेल होता है, हाइपोजियल होता है। बाकी खरीफ की जितनी भी हमारी पल्सेज हैं सभी के अंदर कैसा है, एपिजियल है, याद आया क्या, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। दूसरा अपने लिए एक्सेप्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है, कि ये किसमें है, कवर क्रॉप का एग्जांपल भी नहीं है। तो दो एक्सेप्शन जो है वो अरहर के लिए हमारे पास है, तो दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलो लिख लिया, ओके, नेक्स्ट बात करें बेटा। अगली जो हमारी क्रॉप है वो कौन सी है, ले क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप है, ले क्रॉप्स, इसको हम सिंपल कहते हैं ले फसलें, क्या कहते हैं बेटा, ले फसलें कहते हैं, ठीक है। ले फसलें या ले क्रॉप्स क्या होती है,
कौन बताएगा? फसलों के साथ घास उगाना। ओके, फसलों के साथ घास उगाना, ठीक है। घास वैसे तो अपने आप उगती है, लेकिन आपने सुना होगा कि घास की खेती भी होती है। होती है क्या? हम चारे की तो करते ही, रिजका लगा रहे हैं, बरसीम लगा रहे हैं, वो चारा है, घास नहीं है, ठीक है। हम किसकी खेती कर रहे हैं अलग से? घास की खेती करना। तो हम कह सकते हैं जो भी हम फसलें लगा रहे हैं उन फसलों के साथ क्या करना है, हमें घास की खेती करनी है। किसकी खेती करनी है? घास की खेती करना क्या कहलाता है? ले क्रॉप्स कहलाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ फोरेज ग्रासेस, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी ग्रासेस आएगी बेटा, जरा नाम बताना मेरे को। दूब घास मत बोलना, अपना बुक जाती है वो, ठीक है, उसकी खेती नहीं होती। ओके, वेरी गुड। एक कौन सी है हमारे पास? हाथी घास, या हम कहेंगे एलिफेंट ग्रास। और इसके अलावा कोई है क्या? ओके, नेपियर घास। ठीक है, और कोई है क्या? राजस्थान में हो तुम, राजस्थान में बीकानेर वाला जो एरिया है, जैसलमेर वाला एरिया, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घास उगती है, गाजर घास। कौन सी है बेटा? सेवन घास है। कौन सी है? इसके अलावा कोई है क्या? सेवन की छोटी बहन, वेरी गुड, याद आ गया क्या? दामन घास, ठीक है। इनके नाम पता होने चाहिए, साइंटिफिक नाम, ठीक है। ऑप्शन दे दो, ऑप्शन के हिसाब से सब बता दें। चलो, एलिफेंट ग्रास का नाम क्या है बेटा? हाथी घास। क्या नाम है इसका? पढ़ाया नहीं पढ़ाया हमने? पढ़ लिया क्या? ठीक है, चलो बता दो फिर। एलिफेंट ग्रास तो पढ़ाया ना फॉरेज क्रॉप्स के अंदर, फॉरेज क्रॉप्स तो कर लिए हमने, बताओ फिर क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसको? एक टाइगर ग्रास भी है, वो सुनी होगी, ठीक है, पर उसकी खेती हम जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, चलो, ये आपका होमवर्क रहा। ये चारों ग्रासेस जो है इनके नाम कल याद चाहिए, याद हो जाएंगे, ढूंढ लोगे क्या? ठीक है, ढूंढना है तो 12th क्लास की किताब है तुम्हारे पास, मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से एक बार ढूंढ कर इन सभी के नाम जो है वो आपको लिखना है, वेरी गुड। पेनिसेटम परपूरियम है। सेवन घास का कौन बताएगा? ऑप्शन क्या दो? नाम बताने के लिए ऑप्शन नहीं चाहिए। कोई तुमसे पूछता है कि मेरा नाम क्या है तो तुम बोल दो, ऑप्शन दो, नहीं बोलते ना? लेसियरस सिंडिकस, ठीक है, ये नाम है। आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको चारों जो नाम है वो लिख कर लेकर आने, ठीक है। पेनिसेटम परपूरियम तो आती घास बेटा। चलो, नेक्स्ट अपनी जो लास्ट क्रॉप है वो कौन सी है? एले क्रॉप्स। कौन सी बेटा? एली क्रॉप्स, या फिर एले फसलें कहा जा सकता है, ठीक है। एले फसलें क्या होती है समझ लो आप। हाँ, कौन से गली आ रहे? गली में फसल उगाना। चलो समझ लो इसको, यहाँ पर अपन देखे बेटा, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है? हमारे पेड़ है। क्या है? पेड़ है। पेड़ कितने साल में फल देता है? नॉर्मली बात करें तो 3 से 4 साल तो मिनिमम मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो कितने सीजन निकल गए, ठीक है, अगर खरीफ और रबी भी देखें तो 3 साल में 6 सीजन निकल गए। तो क्या हम इनको एक तरह से पेरिनियल क्रॉप्स कह सकते हैं, बहुवर्षीय फसल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो क्रॉप्स हैं वो क्या है? बहुवर्षीय है। कैसी है वो? बहुवर्षीय है। अगर वृक्षों की खेती कर रहे हैं आप, कोई भी फ्रूट प्लांट लगाओ या प्लांटेशन क्रॉप लगाओ, तो वो एक तरह से क्या है? बहुवर्षीय फसल है अपने लिए, ठीक है। अब बहुवर्षीय फसलें जो हैं वो क्या होती हैं, साइज में ज़्यादा होती है, मतलब उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा, ठीक है। उस गैप के अंदर जो बीच में रह गया, जिसको आपने अभी क्या कहा? गलियारा कहा, ठीक है। तो ये हमारा जो बीच में गैप है, इस गैप में हम जो भी क्रॉप्स लगाते हैं उन क्रॉप्स को क्या कहा जाता है?
एले फसल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एले फसल। ठीक है, ये जो हमारे ट्रीज दिख रहे हैं बेटा, इनको एले फसल नहीं कहेंगे, ये तो हमारे बहुवर्षीय फसल है। ठीक है, तो हम अगर डेफिनेशन बनाना चाहें इसकी तो क्या कहेंगे कि बहुवर्षीय फसलों के बीच बची जगह है जिसे गलियारा कहा गया, उसमें लगाई जाने वाली फसलें उनको क्या कहेंगे? एले फसल कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर इसको आप मल्टी स्टोरी मत करना, क्योंकि मल्टी स्टोरी में भी प्लांटेशन क्रॉप्स जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ याद रखना, अगर बहुवर्षीय फसलों के बीच में लगाने की बात आ गई तब हम क्या करेंगे, उसको एले फसल का नाम देंगे। कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है बेटा? एक है एले और एक है ले। ठीक है, तो एक है ले फसलें, एक है एले फसलें, तो दोनों के अंदर कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एले फसल की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो भी हमारी बहुवर्षीय फसलें हैं, बहुवर्षीय फसलें, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं। ठीक है, इनकी कतारों के मध्य हम कह सकते हैं ज्यादातर एक वर्षीय फसल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो एक वर्षीय फसलें लगाना क्या कहलाएगा बेटा? एले फसल कहलाएगा। इंग्लिश में हम इसको लिख लें। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन बिटवीन द पेरिनियल क्रॉप, और हम कह सकते हैं ट्रीज रोज। ठीक है, जो हमारी ये जो रो है पूरी, इनकी जो कतारें हैं, इनके बीच में क्रॉप लगाना एले फसल का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है लगने में तो बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, पर इससे क्वेश्चंस जो है वो हर साल आता ही है, फिक्स है। आपके किसी ना किसी एक एग्जाम के अंदर जो है वो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि हमसे क्या चीज़ पूछी हुई है। ओके, हमको सारी चीज़ें पता है, अब तो अपन जान चुके हैं। ठीक है, कि सहायक फसलें कौन सी है, गार्ड क्रॉप्स कौन सी है, फंदा फसल कौन सी है, एले फसल कौन सी है, ले फसल कौन सी है। ठीक है, ये बात हम कर सकते हैं, समझ गए अच्छे से। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि क्या चीज़ जो है वो एग्जामिनर ने हमसे पूछी हुई है। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है ये आता है आपका शुष्क खेती में। किस में आता है बेटा? शुष्क खेती के अंदर आता है, ड्राईलैंड फार्मिंग में। तो ड्राईलैंड फार्मिंग पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं, है ना, राजस्थान का ही एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे बिना कोई पेपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इसके अंदर जो आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में है उसकी बात कर लें तो आपको इसके अंदर सबसे पहले तो जो भी जलवायु खंड हैं राजस्थान के वो याद होने चाहिए। ठीक है, कौन से खंड में कौन सा जिला आ रहा है, बस इतना याद रख लेना और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा क्रम है, एक सीरीज़ है कि जैसे आप बात करते हैं फर्स्ट ए की, जिसके अंदर कौन आता है? जोधपुर आ गया, और बाड़मेर भी आ गया, और बीकानेर भी आ गया, और कोई बच गया हो तो वो भी बता दो, जैसलमेर को तो भूल ही गए। कौन आया मेनली? बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, ये एरियाज कैसे हैं? यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है कम होती है? कम होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे नीचे आने वाले थर्ड ए के बारे में, उसके अंदर कौन आता है बेटा? जयपुर एरिया आता है। कौन सा आता है? जयपुर एरिया, शेखावटी क्षेत्र, वहाँ पर बारिश थोड़ी और ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट बात करेंगे हम किसकी? फिफ्थ की, जो सबसे लास्ट में आ रहा है टेंथ नंबर पे, उसके अंदर कौन सा? हाड़ोती एरिया। ठीक है, हाड़ोती क्षेत्र पूरा आ गया, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और झालावाड़ में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो हमारी जो बारिश का सीरीज चल रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें ये चीज़ पता लगती है कि जब हम फर्स्ट हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन से लेकर लास्ट तक पहुंच रहे हैं तो धीरे धीरे बारिश क्या हो रही है? कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, सबसे कम जो है वो फर्स्ट ए में है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो 1200 मिलीमीटर के ऊपर जो है वो अपना फिफ्थ के अंदर आ जाएगी। तो बारिश सब में धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से आप लेकर चलो
300 से 400 एमएम के आसपास है, वहाँ से आप सभी के अंदर जो है वो 100 लगभग बड़ा तेरो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते काम हो जाएगा, ठीक है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं। आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ज़िले आ रहे हैं, वो याद करने ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ने अब क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर दिया है। वो ये नहीं पूछता कि जोधपुर कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है, वो ये पूछता है काजरी कौन से कृषि जलवायु खंड में, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि काजरी जोधपुर में है, तो हम आंसर दे देंगे कि हाँ इसमें है, ठीक है। पिछली बार जो है वो एमपीयूटी के लिए पूछ लिया कि एमपीयूटी कौन से कृषि जलवायु खंड में, फोर्थ ए में, फोर्थ बी में, फोर्थ ए में, किसमें है, फोर्थ ए में, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो अब हमसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि आप सीधा का सीधा डिस्ट्रिक्ट बता दो कि हम डिस्ट्रिक्ट रट लें, हमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले इंस्टीट्यूट्स भी पता होने चाहिए। अगर पूछ लें तभी जी अजमेर कौन से कृषि जलवायु खंड में, तो क्या करोगे, थर्ड ए के अंदर, ठीक है। तो ये जो है वो अपन को पूरी सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, आपके ट्वेल्थ क्लास की बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप आराम से इसको कर सकते हैं। दूसरा, शुष्क खेती के अंदर ज़रूरत किस चीज़ की है, एक तो है मृदा संरक्षण और एक है जल का संरक्षण, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन भी करना है, वाटर कंजर्वेशन भी करना है। तो सॉइल कंजर्वेशन तो हम जानते हैं कैसे होगा, मल्चिंग के द्वारा, या फिर कंटूर फार्मिंग के द्वारा, या फिर विंड ब्रेक्स जो हम लगाते हैं उसके द्वारा जो है उससे होगा। जल संरक्षण जो है वो हमें थोड़ा सा वाटरशेड मैनेजमेंट पढ़ लिया आपने, अंकित सर ने पढ़ाया आपको, है ना, तो वो भी याद रखना है। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मल्चिंग हो गया, और एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। सिंपल सा पूछ लेता, केओलिन किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, फिल्म बनाने वाला, मतलब परत बनाने वाला, या फिर वृद्धि को कम करने वाला, या स्टोमेटा को बंद करने वाला, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो केओलिन किसका एग्जांपल है बेटा, स्टोमेटा को क्लोज नहीं करता है, स्टोमेटा को क्लोज नहीं करेगा, किसको करेगा, हमारे जो एक है परत बनाने वाले, एक है प्रकाश को परावर्तित करने वाले, उसके अंदर है ना, तो उसके अंदर आएगा प्रकाश को परावर्तित करने वाले, क्योंकि केओलिन जो है वो क्या है, एक तरह से वाइट कलर का सब्सटेंस है, जो क्या करता है, एक ऐसी आता है जो प्रकाश को वापस परावर्तित कर देती है, ये इसके अंदर है। चूना किस प्रकार का है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना किस रंग का है, सफेद रंग का, तो वो प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में बनने वाले, ठीक है, आते हैं। एबीए का पूछा हुआ है, एब्सिसिक एसिड वो क्या करता है, वृद्धि रोधक है, हमें खुद ही पता है। एबीए क्या करता है, वृद्धि को कम करता है, तो वो वृद्धि को कम करके क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो लॉजिकल भी नहीं है, आपको बस एग्जांपल्स याद रखने हैं एंटी ट्रांसपेरेंट के, वो क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो है वो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग का आपका पार्ट आता है, वो हमने डिस्कस कर ही लिया पूरा, समझ में आ गया अच्छे से, मिक्स क्रॉपिंग कब है, इंटरक्रॉपिंग कब है, उसके सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल्स, और उसके बाद कौन कौन सी टाइप की क्रॉप्स उसके अंदर आ रही है, बस ये चीज़ जो है वो इसके अंदर आपको याद करनी है, सिंपल है, कर सकते हो। तो एक बार ड्राईलैंड फार्मिंग जो है उसको अच्छे से पढ़ना, कल अपन बात करते हैं, कोशिश करेंगे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है उसको कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार आपका वापस जो है रिवीजन, एक बार जो क्विक रिवीजन है वो भी मैं आपका करा दूंगा, ठीक है। बट ये है कि कल उसके लिए आपको तैयार होके आना पड़ेगा, आप पढ़ के आओगे, ठीक है। तो आज जाके एक बार आपका ड्राईलैंड फार्मिंग जो है, इवन ट्वेल्थ क्लास की बुक से तो पढ़ ही लेना, ठीक है, तो एक बार उससे पढ़ लेना, ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसके अंदर क्या डाउट्स हमको आ रहे हैं, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करें।